गठिया का दर्द चाय पीने से होता है, गठिया का दर्द रात को खट्टा खाने से होता है, गठिया का दर्द गौ गव्य पेट में ना जाए तो ये बीमारी हो जाएगी। गांठों में जॉइंटों में दर्द होता है। हमने एक दवाई बनाई है, खूब फायदा कर रही है। आप बना सकें तो मैं एक फॉर्मूला दिए देता हूँ आपको, आपको बड़ा फायदा कर जाएगी। दवाई इतनी सी है, 200 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ लिख लिया, 50 ग्राम जीरा और 25 ग्राम इलायची, इन तीनों को लीजिए। अजवाइन भूंज लीजिए और जीरा भूंज लीजिए, सौंफ और इलायची को बिना भूने इसमें मिला लीजिए, पीस करके पाउडर बना लीजिए इसको। आधा चम्मच का काढ़ा सुबह बना लें और आधा चम्मच का रात्रि को सोते समय बना लें। प्रातः खाली पेट रात को सोने से पहले ले लीजिए, हड्डियों का दर्द भाग जाएगा तुम्हारा घर छोड़ के। लोग बहुत ठीक हो रहे हैं, लोगों को बड़ा फायदा मिला। जो ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, चर्बी बढ़ रही है, कुंटल कुंटल के हो रहे हैं, एक गिलास पानी चूल्हे पर रखिए, दो गिलास रखिए, एक गिलास रह जाए, आधा चम्मच उसमें हल्दी डाल दीजिए, एक दो उफान आ जाए फिर उसको छान करके पी लीजिए। आज ही मैंने बोला है चमड़ी गल जाएगी। बेटे का वजन बढ़ रहा हो या घर वाले का वजन बढ़ रहा हो या भैया भाभी का वजन बढ़ रहा हो, ये वजन तो बढ़ना ठीक नहीं है ना, ये बढ़िया नहीं है, तो इसमें हल्दी इतना अद्भुत काम करती है। इन कथाओं के साथ साथ मैं आयुर्वेद की भी किताबें पढ़ता हूँ। एक बड़ी खतरनाक बीमारी है पाइल्स, जिसे बवासीर कहते हैं। बड़ी सहज सी दवाई है, नारियल की जटा उसको जला करके राख कर लीजिएगा, फिर उसको छाछ में मट्ठा में उस राख को डाल दो, थोड़ा सा काला नमक मिला दो स्वाद के लिए और फेंट करके पी जाओ, तीन बार लोगे उसी में फायदा मिल जाएगा। लोगों की ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है, ना ऑपरेशन की ज़रूरत, कुछ भी नहीं। ये घर का वैद्य एक किताब आती थी पहले, जिसमें माताएं पीपल वीपल सब घर में रखती थी, लेकिन अब तो आप बिल्कुल अंग्रेजों के रिश्तेदार बन गए। ये तो सब चीज़ों की घर में, अरे दालचीनी घर में रखो, सब्जी में दालचीनी रखो, डालोगे हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। एक वो पत्ता कहते हैं, कौन सा बोलते हैं, तेज पत्ता, हाँ अरे हार्ट मजबूत करता है, ये साग में डालो, ये बहुत फायदेमंद है। हल्दी डालो, धनिया डालो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा डालोगे MDHHH, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हो उसमें आता। ये मिर्च लाल घर ला करके उसको पीसो, मिर्च में काली मिर्च ज़्यादा फायदा करती है स्वास्थ्य के लिए, ये अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। हरी मिर्च भी उतना फायदा नहीं है, हरी मिर्च ज़्यादा खाने से मर्दानगी समाप्त हो जाती है हरी मिर्च, और लाल मिर्च ज़्यादा खाने से व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है, और काली मिर्च खाने से उपवास करने में कभी भूख नहीं लगती है। काली मिर्च की ये महिमा है, काली मिर्च का आप सेवन कीजिए। मैं लेता हूँ ना काली मिर्च, इसलिए तो रोटियों के बिना रह लेता हूँ। मैं काली मिर्च कैसे लेता हूँ, सुन लो, दो गिलास दूध पीता हूँ तो एक गिलास दूध पी लिया और आधी चम्मच काली मिर्च की फंकी लगाई, एक गिलास ऊपर से पी लिया, भूख लगती नहीं है, ऐसे लेता हूँ। मेरे कमरे में तुम मुझे मिलने आए हो तो आपने देखा होगा कि मेरे बगल के स्टूल पर एक चम्मच रखी है और काली मिर्च और रखी है, एक पैकेट में रखी है। वैसे तो हम खुद पीस लेते हैं, लेकिन वहाँ यह व्यवस्था थी नहीं, तो किसी ने मुझे ला करके दे दी। वहाँ पर कोई ले आया, बालक कोई ले आया, वो बढ़िया ठीक है। तो दूध लिया एक गिलास और आधा चम्मच डाली काली मिर्च मुख में और ऊपर से फिर दूध पी लिया है, तो इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इससे उपवास सहज में हो जाते हैं। ये तो आज के समय में रोटियाँ छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अरे 9 दिन नवरात्रा में छोड़ के तमारा आता है, फिर घर को हिला देते हैं, पता है 9 दिन नवरात्रा करिए, 9 दिन नवरात्रा करिए, बड़ा मुश्किल होता है।